गुड मॉर्निंग एवरीवन, सुप्रभात। आप सभी कैसे हो? हाँ, बढ़िया हो? हाँ, और दीपावली की छुट्टी आपने कैसे मनाई? बहुत बढ़िया मनाई। हाँ, दीपावली की छुट्टियाँ बहुत मजे में गई है ना। हाँ, तो अभी हमारी बारी है पढ़ाई की। तो बच्चों, आप सभी दूसरी कक्षा में हो और अभी हमारा हिंदी का पीरियड है ना। हाँ, तो बच्चों आज हम कुछ नया सीखेंगे। इससे पहले हमने कई सारी मात्राओं की पढ़ाई की है, पहचान की है। आज हम नई मात्रा की पहचान करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो आपके पास ये आपकी बुक होगी, है ना सबके पास? हाँ, और उसमें पेज नंबर 55 यानी 55 यानी कि 55 नंबर का पेज निकालो। तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा हमारा पाठ है 10वां, 10 हमारा 10वां पाठ जो कि है ओ की मात्रा। यानी आज हम नई मात्रा की पहचान करने वाले हैं। इस मात्रा को ओ की मात्रा कहते हैं। ठीक है बच्चों? हाँ, तो यदि आप यहाँ पे देखोगे तो आपको ओ की मात्रा दिखाई देगी। इस तरह से ओ की मात्रा लिखी जाती है। ठीक है बच्चों? हाँ, उसके बाद ओ की मात्रा से ओट, ओखली ऐसे शब्द जिसमें हमारा ये जो ओ है, ओ वर्ण है, यानी कि यह ओ मात्रा की हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करके ये शब्द तैयार हो जाता है। तो ओ वर्ण से या ओ मात्रा से ओ, ओखली, इन शब्दों की क्या होती है, शुरुआत होती है। हाँ, इसके बाद यदि हम यहाँ पे देखेंगे ओ और ओखली इन शब्दों के बाद यदि आप देखेंगे तो यहाँ पे चित्र दिखाई देगा मोर का। हाँ, और उसके बाद है जोकर, आपको मालूम है ना। हाँ, तो ये मोर और जोकर इन शब्दों में भी ओ की मात्रा है, लेकिन ये ओ की मात्रा है, ओ वर्ण नहीं है। तो ये ओ की मात्रा म से मिलाई हुई है और यहाँ पे जोकर इस शब्द में ओ की मात्रा ज से मिलाई हुई है। ठीक है बच्चों, ये समझ में आ गया आपके? इसके बाद बारी आती है बोल बोलकर पढ़ो। तो ये बोल बोलकर पढ़ो, इसमें आपको क्या करना है, मतलब है यहाँ पे लगभग 20 शब्द रहते हैं और मैडम जो रहती है कर्मिका मैडम वो लिखकर देती है आपको फलक पे सब शब्द, लेकिन आज मैं लिखे देने वाली बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपको अभी, आप तो अभी बड़े हो गए हो। हाँ, तो आप अभी तीसरी कक्षा में जाओगे, बड़े हो जाओगे, है ना। हाँ, तो इसीलिए आपको ये जो लगभग 20 शब्द है, ये शब्द अच्छे से ओ की मात्रा लगाकर लिखने हैं। ठीक है बच्चों? हाँ, तो ये जो वर्ड जो हमारा बोल बोल कर पढ़ो ये जो है, ये आपके लिए क्या है, होमवर्क है। हाँ, और मैं इसकी लिखी हुई फोटो आपको जरूर भेजने वाली। ठीक है बच्चों? ठीक है, इसके बाद यदि आप पेज टर्न करोगे तो आपको दिखाई देगा एक नया पेज ना? तो इसमें क्या लिखा हुआ है, नानी की ढोलक, और यहाँ पे एक चित्र भी है ना। हाँ, इसमें एक ढोलक है जिसको हाथ है, आंखें हैं, और वो बोल रही है, नाच रही है ना। हाँ, और यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं दो बच्चे हैं, एक नानी है, और ये ढोलक क्या कर रही है, भाग रही है, तेजी से भाग रही है। हाँ, इसके बाद ये नानी जो है हाथ में क्या लिए, उसने एक छड़ी ली है, और वो उसके पीछे क्या कर रही है, भाग रही है। यहाँ पे है एक बादल और यहाँ पे है सूरज। हाँ, इसके बाद यहाँ पे आपको कई सारे प्राणी दिखाई देंगे, एक है मोर, यह है तोता, यह खरगोश और सब जानवर, और यहाँ पे नानी ऐसे खड़ी हुई है ना। हाँ, तो ये कहानी आज हम अच्छे से क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले। ठीक है, तो अभी आपकी उंगली कहाँ पे होनी चाहिए, आपके टेक्स्ट बुक पर। ठीक है बच्चों? चलो, तो अभी मैं पढ़ती हूँ। हमारी कहानी का नाम है नानी की ढोलक। एक दिन नानी की ढोलक लुढ़क गई, गोल गोल घूमी,
दरवाजे पे गई, चुपचाप दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई। गली में शोर मचा, देखो ढोलक गोल गोल, ढोलक घूमी गोल गोल, पकड़ो पकड़ो, नानी ने शोर मचाया। नानी भागी ढोलक के पीछे, ढोलक हाथ में आई, वह भाग गई। ढोलक बढ़ती गई, दुड़कती गई, लोग उसको देख रहे थे, ढोलक भी उनको देख रही थी। जब चलते चलते थक गई तो थोड़ा रुकी, तभी एक घोड़ा आया, उसने ढोलक को उठा लिया। वह ढोलक बजाने लगा, फिर तोता, खरगोश, कोयल, मोर आ गए। मोर पर फैलाकर नाचा, कोयल कूकी, तोता उड़ उड़कर घूम घूम कर नाचा गाया, खरगोश ताली बजा रहा था। नानी ढोलक को खोजते खोजते आ गई। ढोलक ने नानी को देखा, ढोलक भागी। तोता, घोड़ा, मोर, कोयल, खरगोश सब भागे। ढोलक भागी आगे आगे, नानी उसके पीछे पीछे। कैसी है बच्चों कहानी? अच्छी है ना? हाँ, तो सचमुच ढोलक हंसती है, भागती है? नहीं, सचमुच ढोलक ऐसे नहीं करती। लेकिन हमारे कहानी में ये सब जानवर बोलते हैं, नाचते हैं, ठीक है? हाँ, और यहाँ पे जो ढोलक है वो भी बोलती है, दौड़ती है, ठीक है? तो ये चीज है। हाँ, लेकिन हमारी कहानी में वो क्या कर रही है? बोल रही है। तो एक बार क्या हुआ, नानी ढोलक ने क्या किया, नानी को चपका देकर वो ढोल घर से भाग गई। नानी को वो ढोलक चाहिए थी, इसीलिए नानी ने जोर जोर से शोर मचाया, पकड़ो पकड़ो मेरी ढोलक दे दो मुझे, ऐसे। लेकिन ढोलक उसके हाथ बिल्कुल नहीं आई। तो ढोलक भागकर कहाँ चली गई? बहुत दूर चली गई। तो वहाँ पे कुछ जानवर थे, कौन कौन थे? और पक्षी भी थे। हाँ, एक घोड़ा था जिसकी गले में ढोलक है। हाँ, कोयल है, वो कोयल गाना गा रही थी। घोड़ा है, वो ढोलक बजा रहा था। खरगोश, तोता, मोर सभी उस ताल पे, उस ढोलक के ताल पे क्या कर रहे थे? अच्छे से नाच रहे थे, ठीक है? जब नानी ढूंढते ढूंढते ढोलक को वहां पर पहुंची, तो ढोलक ने नानी को देखा और वापस वहां से भाग गई, ठीक है? तो अभी क्या हो रहा है, ढोलक आगे आगे और ढोलक के पीछे कौन है, उसको पकड़ने के लिए नानी भाग रही है, ठीक है बच्चों? तो इस चित्र में ये सब कहानी हमें पता चलती है। इसके बाद की जो पढ़ाई है हम बाद में करने वाले हैं। तो आपका होमवर्क आज का क्या है, आपको मालूम है? हाँ, तो पहला होमवर्क आपका है, ये बोल बोल कर पढ़ो। इसमें से जो शब्द है, लगभग 20 शब्द है ना? ये अच्छे से आपको मात्रा लगा कर आपके कॉपी में लिखनी है। आपके पास ये नोटबुक है ना? हाँ। और आपको दूसरा अभ्यास है, ये नानी की ढोलक, ये जो कहानी मैंने अभी आपको अच्छे से सुनाई है, पढ़ाई है, ये कहानी आपको दो बार अच्छे से पढ़कर अपनी माँ को सुनानी है, ठीक है बच्चों? और जो शब्द आपको उच्चारण में कुछ दिक्कत आ रही है या समझ में नहीं आ रही है, उसके उन शब्दों के नीचे आपको क्या करना है, पेंसिल से अंडरलाइन करनी है, ठीक है बच्चों? तो यहाँ तक हमारी आज की पढ़ाई पूरी हो गई है। इसके बाद की पढ़ाई हम बाद में करेंगे, ठीक है बच्चों? हाँ, तो घर में रहो, अच्छे से पढ़ाई करो, सुरक्षित रहो, ठीक है बच्चों? धन्यवाद।